हाय सुमित, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रमोद टीवी। इस वक्त मैं देहरादून के परेड ग्राउंड से आपके साथ लाइव जुड़ा हूं, और यहां से लाइव जुड़ने का एक खास कारण है आपके साथ। वो हम कहते हैं ना कि उत्तराखंड में बहुत बेरोजगार हैं, युवाओं बेरोजगारों की फौज है। वो कितनी फौज है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक और दूसरी बात कि उत्तराखंड प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा क्रेज है युवाओं के बीच वो है सरकारी नौकरी को लेकर। अब अप्रैल के बाद मई जून में फौज की भर्ती आने वाली है, पुलिस की भर्ती आने वाली है। नई सरकार है, युवा सरकार है, तो कहीं ना कहीं युवाओं को उम्मीद है, अनुमान है कि युवा सरकार, युवा मुख्यमंत्री उन्हें बहुत कुछ ऑफर देने वाले हैं, बहुत कुछ नया करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक नज़ारा मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि कितनी बड़ी भीड़ है, कितनी ज़्यादा भीड़ है। जब मैं यहाँ से अभी गुजर रहा था अपने दिन भर की भाग दौड़ के बाद, तो यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी और इन युवाओं को देख के वाकई मन में एक ललक उठी कि देखते हैं आइए कि क्या है यहाँ का नज़ारा, क्या है, क्या ये लोग कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अपने जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए फिटनेस की तैयारी कर रहे हैं। सुबह सुबह का अगर मैं आपको बताऊं माहौल, तो सुबह सुबह बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, क्लासेस में जाते हैं, और शाम के टाइम पे वो अपनी जो फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस, उसकी तैयारी करते हैं। बहुत सारे युवा मेरे साथ यहाँ पर हैं। सबसे पहले एक भाई से पूछेंगे, भाई आपका नाम? अमन। अमन, कहाँ के रहने वाले हो आप? देहरादून, टिहरी गढ़वाल से। टिहरी गढ़वाल से, तो यहाँ पर क्या करते हो, किस चीज़ की तैयारी चल रही है? वैसे मेरी उत्तराखंड पुलिस की तैयारी चल रही है अभी। वैसे मैं बल्लूपुर से आता हूँ यहाँ परेड ग्राउंड तैयारी करने के लिए। जैसे कि दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, उसी में मैं भी एक युवा हूँ। जैसा कि सबको बताया कि 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और सिर्फ 1500 की वैकेंसी है। उत्तराखंड में बेरोजगारी तो है ही, बट जैसे नई सरकार बनी तो हम उम्मीद करते हैं कि नई सरकार आ रही है और हमें नई नौकरियां मिलेगी। तो यार भाई, कितना डिफिकल्ट होता है एक युवा के लिए, जैसे कि आप कह रहे हैं बल्लूपुर यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है, वहाँ से यहाँ आना, और फिर हम ढिंढोरा पीटते हैं कि युवा सरकार है, देहरादून राजधानी है। गाँव में जैसे आप टिहरी गढ़वाल से आते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि देहरादून में बहुत फैसिलिटी होगी, शहर है तो उतनी अच्छी फैसिलिटी भी होगी, उतने अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो कितना डिफिकल्ट होता है एक पहाड़ी युवा के लिए? वैसे ये कहना वैसे मुमकिन नहीं है कि जैसे कह रहे हो कि गांव के लोग हैं और शहर के लोग हैं। आजकल गांव में लोग ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं और भाग रहे हैं क्योंकि उनकी डाइट ही मिलती है। यहाँ पर देहरादून में बच्चे गांव से आकर रहते हैं, उन्हें डाइट नहीं मिल पाती है प्रॉपर। पर जैसे गांव का बच्चा है तो उसे डाइट वगैरह प्रॉपर, पर वहाँ के लिए एक फैसिलिटी नहीं है कि वहाँ पर कोचिंग सेंटर नहीं है, उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता वहाँ पर कि किस वे में उन्हें तैयारी करनी है। पर देहरादून में अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उन्हें मार्गदर्शन सही मिल जाता है कि हमें किस वे में तैयारी करनी है। तो आप क्लासेस भी जाते हो? नहीं, मैं अब सेल्फ स्टडी करता हूँ। सेल्फ स्टडी, चलिए ये सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और कुछ आप में से कहना चाहे? अच्छा, ये भाई जी आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम दीपक है। हाँ। मैं पौड़ी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। पौड़ी से मैं देहरादून में आ रखा हूँ स्पेशल तैयारी करने के लिए। अच्छा। सर हम लोग कब से तैयारी कर रहे हैं लेकिन कोई वैकेंसी नहीं आ रही। 2-3 साल से तो लगभग लोग सरकार ने ये दे दिया है कि कोरोना चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम से आपने देखा होगा कि ये जो ग्राउंड था पहले ग्राउंड बहुत अच्छा था, लेकिन आज इस ग्राउंड की दशा भी जो है बहुत बुरी बेकार दशा होगी। एक टाइम पर ये ग्राउंड इतना अच्छा हुआ करता था, इसमें डेली कि सर्विसिंग हुआ करती थी ग्राउंड की, लेकिन अब इस ग्राउंड की कोई सर्विसिंग नहीं है। इतना डस्ट है, पहले तो इतनी बीमारी चल रही है, उसके बाद देखो डस्ट कितनी भयंकर है यहाँ पे, जिससे हम लोग कवरेज नहीं कर पाते। हम लोग अपने फिजिकल को देने के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पा रहे। जब दो राउंड मारो पूरा डस्ट से पूरा भर जा रहा है ग्राउंड। तो मैं सरकार से एक बार अपील करना चाहूँगा कि इसको पहले की तरह जैसा पहले था, ये कांग्रेस के टाइम पे जब हरीश रावत जी थे हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने इस ग्राउंड को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा था। मैं चाह रहा हूँ कि सेम ये दोबारा इस तरह से मेंटेन हो ताकि हमारे युवा भाई बहन दोबारा से अच्छे से तरह तैयारी कर सके। ये तो हो गई मेंटेनेंस की बात। दूसरी बात, आपने कहा कि 2 साल कोरोना था, उस टाइम भी वैकेंसी नहीं आई। वैकेंसी आई, 1500 की वैकेंसी आती भी है तो 2.5 से 3 लाख लोग उसमें अप्लाई करते हैं। तो एक युवा प्रदेश में एक लिमिटेड कह सकते हैं कि कम जनसंख्या है और पद भी कम है, तो कितना डिफिकल्ट होता है वो सपना देखना सरकारी नौकरी का और उसके लिए तैयारी करना। आपको पता भी है कि एक वैकेंसी के लिए आप ये पकड़ के चलिए कि 500 युवा एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कितना कैसा लगता है, वो किस तरह का जुनून रहता है? सर देखो, एक आपको पता है कि 2.5 लाख से ऊपर फॉर्म भर चुके हैं लेकिन वैकेंसी है फिर सिर्फ 1500। तो 1500 में एक 2.5 लाख के लोगों का अगर एवरेज माने जाए तो मतलब बहुत डिफिकल्ट है एक भर्ती, एक पोस्ट हासिल करना सर किसी भी उसके लिए। लेकिन फिर भी एक जोश, जुनून, उम्मीद, कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी उम्मीद पे कायम है। हम भी यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं ताकि हम लोग कुछ कर सके और कोई पोस्ट निकाल सके। मैं भी SI की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे आके देहरादून में। यस सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और अच्छे से ऑल द बेस्ट। आप कुछ कहना चाहेंगे?
सर, आप कहाँ से हो पहली बात? मैं त्यूनी से हूँ सर। त्यूनी से? जी सर। अच्छा, तो किस तरह का माहौल है देहरादून में कि हम देख रहे हैं ग्राउंड फुल पूरा भरा हुआ है, सुबह भी यही नज़ारा रहता है, शाम के टाइम भी यही नज़ारा रहता है, हर कोई तैयारी कर रहा है सरकारी जॉब की, लेकिन यहाँ पे जितने बच्चे हैं 1000-2000 से ऊपर होंगे, वैकेंसी 1500 की है, पहाड़ों में भी बच्चे हैं, 13 जिले हैं तो 13 जिलों में पकड़ के चलिए 13000 तो अप्लाई कर ही रहे होंगे, तो कितना डिफिकल्ट रहता है कि सपना देखना एक युवा को सरकारी नौकरी का? सर कॉम्पिटिशन तो बहुत है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन जो मेहनत करता हूँ तो निकल ही जाता, लेकिन वैकेंसी सरकार को जारी करनी चाहिए, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को तभी लोगों ने वोट कराई, युवाओं ने वोट कराया, खास करके वैकेंसी निकल। सुविधाओं की अगर बात करूँ तो जैसे कि अभी भाई बता रहे थे उतनी सुविधाएं नहीं है। सर मैं तो ग्राउंड मतलब पहली बार आ रहा हूँ इस बार, लेकिन सब बोलते कि डस्ट बहुत हो रहा है इस बार ना, जिस कारण बीमार होने का बहुत खतरा रहता है जो पहले आता है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे अब एक पुलिसकर्मी होता है यहाँ पर, उसी प्रकार से हर शाम को एक टैंकर भी भेजना चाहिए सरकार को, नगर निगम को। अगर और कुछ नहीं हो सकता है तो कम से कम रेख देख तो अच्छी होनी चाहिए। रेख देख पुलिसकर्मी होते हैं, एक पुलिसकर्मी, लेकिन एक टैंकर रोज भेजना चाहिए नगर निगम को उसके लिए, डस्ट को साफ करने के लिए। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आगे की तरफ मैं आपको नज़ारा लेके जाऊंगा और वो भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर इतना बहुत कुछ है दिखाने के लिए, इतना सब कुछ है, इतने सारे युवा हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक पहले आपका एक रिकैप देखना चाहेंगे, आपकी जो प्रैक्टिस है, जो फिटनेस है, उसका एक नमूना देखना चाहूंगा मैं। आप बिना जिम के इतनी बेहतरीन फिटनेस आप देख सकते हैं, डोले शोले भी हैं और एब्स भी हैं भाई के, तो उसमें कोई दोराई नहीं है देखने के लिए। वो जो बंदा होता है हट्टा खट्टा पहाड़ी बंदा, वो दूर से ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपका नाम और कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं अंकित रावत हूँ, मैं मसूर से रहने वाले हैं, 24 नाम सुना होगा आपके। हाँ बिल्कुल, और वहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ पर किस चीज़ की तैयारी चल रही है? मेरा रिटर्न बचा आर्मी का, मैं वैसे पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। आर्मी की तैयारी, 3 बार फिजिकल कर रखा है, कभी मेडिकल में बाहर हो जाता हूँ। इस बार आपने आर्मी के सारे निकाल रखे, सिर्फ रिटर्न बाकी है? रिटर्न बाकी है, रिलेशन की भर्ती मारी थी मैंने। रिलेशन दिया तो मतलब आपका जो परिवार है वो लगातार भारतीय सेना में अपनी सेवा देता है। हाँ जी। अब पुलिस की तैयारी भी कर रहे हैं? पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो एक सुविधाओं की बात पूछना चाहूँगा कि सुविधाएं किस तरह से हैं? एक देहरादून जो राजधानी है, लोग सपना देखते हैं कि राजधानी में जाके प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छे वहाँ पे कोच भी होंगे युवाओं के साथ मिलकर, तो उतनी सुविधा मिल पाती है? ये मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ता था, 6 क्लास से 12 तक वहाँ पढ़ा हूँ और 7 साल मैं वहीं रहा हूँ। वहाँ कोच भी मेरे साथ थे मेरे, हॉकी, मैं हॉकी खेलता था, हर अलग डिपार्टमेंट के कोच रहते थे उसमें, जो भी कोई गेम खेलने जाते थे वहाँ सब सुविधा थी, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं थी, वहाँ तो कोई फ्री माइंड था। यहाँ जब से आ रखा हूँ मैं, 5 साल हो गए यहाँ पे, 5 साल के अंदर मैं पहले ठीक था, मतलब मेन ग्राउंड भी था, मतलब गेट भी था मेन, अब सब चीज़ तोड़ रखा है सरकार ने, जब से नई सरकार बन रखी है तब से अलग ही वो चेंज हो रखा है, ना कोई इज्जत है ग्राउंड की, कोई चप्पल में जा रहा, कोई जींस में जा रहा, कोई गाड़ी लेके जा रहा, अंदर इज्जत ही नहीं है। और अब तो मैं पानी में डर रहा है, धूल इतनी हो रही कि मतलब कोई दौड़ नहीं पा रहा है, सारे शरीर में जो सूखा पड़ जाता है, इसलिए कोई ये नहीं है। चलिए बहुत शुभकामनाएं आपको और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कहाँ से? मैं जौनसार से हूँ, चक्राता साइड जौनसार। मतलब देहरादून की परेड ग्राउंड की खास बात है कि जो युवा आपको यहाँ पर मिलेंगे, उत्तराखंड के 13 जिलों के अगर कोई युवा आपको देखना है, उनका समावेश आपको देखना है, तो परेड ग्राउंड में सुबह शाम आ जाइए, आपको अपने गाँव का बंदा, अपने इलाके का बंदा जरूर मिल जाएगा। किस चीज़ की तैयारी चल रही है? सर अभी पुलिस की तैयारी चल रही है। तैयारी कितनी वैकेंसीज आ रखी है? अभी 1600। 1600। और तैयारी कितने लोग कर रहे हैं? तैयारी तो काफ़ी है अभी, कुछ कह नहीं। आपको पूछूंगा पर व्यक्तिगत तौर पर आपकी तैयारी कैसी है? तैयारी तो अभी इतना जोश और जुनून है, क्योंकि एक युवा के अंदर एक वैकेंसी तो छोड़िए कब कितने आती हैं क्या आती हैं, वो तो सब सरकार के हाथ में, लेकिन पर्सनली एक युवा का कि मैं राजा हूँ और मैं निकालूंगा इस बार, कितना जोश है आपके अंदर? बस जोश बहुत है सर, इस बार की जो वैकेंसी है उसमें जो है होना बिल्कुल अनिवार्य है, लगे हुए हैं। पर इस यहाँ की जो सुविधा है, जैसे कि कोई आते हैं अभी लेट आते हैं सर ना, तो ये ऐसा होता है कि लाइटें लगी हुई है हर जगह ना, पर ये जल नहीं पाती शाम को। अच्छा। ये भी एक बहुत दिक्कत है, और इसलिए जल्दी जो है सुबह भी जल्दी नहीं आ पाते लोग, अंधेरे के कारण यहाँ पे लॉन्ग जंप भी नहीं मार पाते, यही है। बाकी दूर तो आप देखिए ना, आप दिखा सकते हैं। तो बहुत इस भाई ने कहा कि इस बार भर्ती होना अनिवार्य है, जो युवा हमें देख रहे हैं आपके अंदर ये जोश और ये जुनून होना चाहिए कि जब तक वो आपके सीने पे वर्दी नहीं आ जाती है ना, तब तक आपके अंदर ये जोश होना चाहिए कि अनिवार्य है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और वेल डन। और खास बात ये कि जो सरकारी जो प्रशासन है, जो नगर निगम है, यहाँ पर जैसे कि लोग कह रहे हैं कि लाइट नहीं चल पाती है युवाओं को। हाँ, गर्ल्स का भी
पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत जरूरी है आपका, थोड़ा सा आपके बारे में जानेंगे। चलिए ठीक है, वो कंफर्टेबल नहीं है बोलने में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ मैं आपको कुछ और नज़ारे दिखाता हूँ, कुछ और लोगों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, और जो तैयारी का क्रेज है देहरादून में और उत्तराखंड का, उसके नज़ारे मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर इतनी जनसंख्या है, इतनी पब्लिक है कि आप जब यहाँ आओगे तो खुद हैरान रह जाओगे कि हाँ यार, वाकई युवा तैयारी कर रहे हैं। और बेरोजगार जो हम कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार हैं प्रदेश में, ये देखिए इस तरह से हर कोई तैयारी में लगा हुआ है लगातार। तो कुछ अलग दिखाने का लगातार प्रयास है आपको, कुछ लगातार अलग दिखाने का प्रयास और कोशिश है कि उन जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं उनसे हटकर आपको कुछ ना कुछ जो प्रदेश में होने वाली गतिविधियां हैं उनसे रूबरू करवाते रहें। और यहाँ पर बहुत भीड़ है, वहाँ पर तैयारियाँ भी चल रही हैं लॉन्ग जंप की, वो मैं आपको उसके कुछ नज़ारे दिखाता हूँ। सामने से यहाँ पे देख सकते हैं कि युवाओं का क्या तैयारी चल रही है, लॉन्ग जंप, हाई जंप और जो रेसिंग होती है, जो प्रैक्टिस होती है किसी भी भर्ती के लिए। तो कुल मिलाकर आप हल्का हल्का अनुमान ये लगा सकते हैं कि सरकारी नौकरी का जो क्रेज है उत्तराखंड में वो कितना भयंकर है, वो कितना बेहतर है, और लोग उसके लिए किस तरह की प्रिपरेशन करते हैं। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर युवाओं की तैयारी दिखाता हूँ और किस तरह से उनका जोश, जुनून और जज्बा है, उसका एक छोटा सा उदाहरण आप यहाँ पे देखिए। और मारे ना आ रहे पकड़े, ये नज़ारे आप भर्ती में देखते होंगे, लेकिन भर्ती से पहले का जो रिकैप एक तरह से कह सकते हैं, ये रिकैप मैं आपको दिखा रहा हूँ। वेल डन, ये रिकैप मैं आपको दिखा रहा हूँ देहरादून के परेड ग्राउंड से। और यहीं से आने वाले समय में, आने वाले 2-4 सालों में या 6 महीनों में बहुत ऐसे अफसर होंगे, बहुत ऐसे युवा होंगे, बहुत सारे सैनिक होंगे जो यहाँ से निकलते हैं, तैयारियाँ करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर इन युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, इन युवाओं को एक अच्छी सुविधा मिलती है, तो क्यों ना हमारे प्रदेश से या हमारे राज्य से ऐसे बेहतर युवा भी निकल सकते हैं। और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्सशिप वाले एथलीट्स यहाँ से निकल सकते हैं। कहीं ना कहीं बस कोशिश है उस हीरे को तलाशने की जिसकी हम पहचान करते हैं और जो हम उम्मीद करते हैं युवाओं से या आने वाले खिलाड़ियों से। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि उत्तराखंड के जो 13 जिलों से आए हुए युवा हैं जो यहाँ पर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ और नज़ारे मैं आगे की तरफ आपको लिए चलता हूँ, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। यहाँ पर रेसिंग हो गई, हाई जंप हो गए, पुल अप्स हो गए और बहुत कुछ कहने के लिए है। हाँ, हालांकि थोड़े लिमिटेशन ये बात की है कि हमारे कैमरे बड़े नहीं, अदरवाइज अगर सुविधाएं उतनी अच्छे से होती, उतनी बेहतर टेक्नोलॉजी होती तो मैं ये पूरा नज़ारा, एक जो खेल होता है, जो उत्साह होता है, जो जुनून होता है, उससे भी बेहतरीन नज़ारा सुबह और शाम के टाइम पे यहाँ पे रहते हैं। एक और युवा भाई हमारे साथ जुड़े हैं जी, आपका नाम? मेरा नाम सर रोहित कंडारी है। कहाँ के रहने वाले हो? सर केदारनाथ से। केदारनाथ से, अच्छा, केदार घाटी के रहने वाले हो। देहरादून में किस चीज़ की तैयारी चल रही है और कैसा प्रिपरेशन है? सर SI की तैयारी चल रही है। अच्छा। और प्रिपरेशन आप देख ही रहे होंगे फील्ड। सोचिए 1600 की वैकेंसी आ रखी है SI की, मतलब पुलिस भर्ती की 1600 वैकेंसी आ रखी है, उसमें बहुत सारे अलग अलग विभिन्न पोस्ट के लिए हैं, लेकिन ज़्यादातर युवाओं का सपना है SI, और उसके लिए जो तैयारियां चल रही हैं, आप सुबह आइए 6 बजे, 5 बजे और शाम को आप 8 बजे तक परेड ग्राउंड में रहिए। आप बहुत सारे ऐसे युवाओं से मिलेंगे जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है? सर हम 4 बजे आ जाते हैं और 7 बजे तक अपना पूरा वर्कआउट, जो भी उसमें जो भी चीज़ें उसमें मांगी गई हैं, दौड़ है, पुशअप है, चिन अप है और लॉन्ग जंप है और उठक बैठक है, अदर से जो भी चीज़ें मांगी गई हैं हम कंप्लीट करते हैं अपना टास्क और फिर घर चले जाते हैं। रिटर्न के लिए क्लासेस भी लेते होंगे आप? जी सर, रिटर्न के लिए ऑनलाइन क्लासेस शिखर एकेडमी से ले रहे हैं सर। अच्छा, अन अकेडमी से ले रखा है? शिखर एकेडमी जी सर। तो एक देश की, प्रदेश की राजधानी है देहरादून, उत्तराखंड के 13 जिलों में हर किसी का सपना होता है कि वो देहरादून जाए, देहरादून में तैयारी करे, जब वैकेंसी निकले तो अच्छा एक वेल पॉलिश होकर निकले। सरकारी नौकरी तो हर किसी का सपना होता है प्रदेश में युवाओं का, तो यहाँ पर रहकर एक युवा अच्छी तरह से बता सकता है जो उस चीज़ में सम्मिलित हो, जो उस चीज़ को कर रहा है।
तो जो युवा उत्तराखंड के बाकी जिलों से हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वाकई इतना आसान होता है देहरादून में रह के तैयारी करना कि गांव में अच्छा होता है? सर, तैयारी करने का वर्तमान में जो माध्यम है वो आप कहीं भी रह के कर सकते हैं, और जो अब ऑनलाइन का माध्यम बन चुका है तो ऑनलाइन के माध्यम से आप कहीं भी पहाड़ के किसी भी इलाके में रह के तैयारी कर सकते हैं। और जो नेटवर्क है, नेटवर्क प्रॉब्लम की कोई दिक्कत नहीं है पहाड़ों में भी, और आप कहीं भी रह के तैयारी कर सकते हैं। कुछ मैसेज जो युवाओं को देना चाहिए? मैसेज सर यही है कि जो उनको मोटिवेशन है तो वो अपने अंदर से या कहीं अदर्स किसी को देख के मोटिवेशन लेना चाहिए, और सर यही है सर। चलिए, और कोई कुछ आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा युवा, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं, कोई एथलीट्स हैं, कोई स्पोर्ट्स से जुड़े हुए युवा हैं, और कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, कैमरे पे आने के लिए झिझक रहे हैं युवा। अच्छा, एक और युवा से जो यहाँ की जो देहरादून की सर अभी यहाँ ग्राउंड की बात करें तो सर यहाँ बहुत ज्यादा यहाँ सर बहुत ज्यादा ये मिट्टी है तो इस कारण धूल उड़ रहा है, तो थोड़ा प्रशासन से ये व्यवस्था हो जाए कि यहाँ के लिए थोड़ा पानी की व्यवस्था, और यहाँ पे जो वाटर पीने का पानी है उसको भी थोड़ा साफ पानी मिल जाए सर। चलिए, ये युवाओं की मांग है, युवा प्रदेश में युवा सरकार की अगर कोई भी कर्मचारी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश ये भी है कि युवा आपके जो आने वाले अफसर हैं, अगर यहाँ पर 1000 पब्लिक है, 1000 में से ये सोच के चले कि 5 भी अगर कल अफसर बनते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो आने वाला हमारा भविष्य है, युवाओं का भविष्य है, उनके लिए पानी और उनके लिए जो तैयारियाँ हैं सुविधाओं के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। बालू की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी मिट्टी में लोग हाई जंप लॉन्ग जंप कर रहे हैं। नीचे जाके नहीं भाई, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बालू की सख्त जरूरत है। मिट्टी में अभी तक जो लड़कियाँ हैं, जो युवा हैं, वो इस तरह से लॉन्ग जंप कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता है। अगर बालू रहेगा तो थोड़ा उसमें इजीली वो अपने आप तैयारियाँ कर सकते हैं। आगे मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ। कहाँ गए? अरे भाई जी, मैं यार कोई और बोलना है, बोल बोल ग्राउंड के लिए बोल। भाई यार मीट कर भाई जी, बहुत सारे युवा हैं। ये जो भीड़ आपको दिख रही है, मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा थोड़ा लॉन्ग से लेना, ये जो भीड़ आपको दिख रही है ये युवाओं की तैयारी की भीड़ है, और मेरे साथ ये लोग इसलिए जुड़े हैं क्योंकि एक उम्मीद होती है लोगों को, एक उम्मीद उम्मीद की नाम होती है। तो ये भाई कह रहे हैं कि इनको जो जहाँ पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, तो कहीं ना कहीं बेहतर सुविधाओं के लिए, बेहतर तैयारी के लिए बेहतर सुविधा भी होनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम अमन नेगी, मैं उत्तरकाशी से हूँ। तो तैयारियों को लेकर तैयारियां भी चल रही हैं, काफी सारे युवा तैयारी भी कर रहे हैं, सुविधाएं पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या है आपका? यहाँ मैं सरकार से यही चाहता हूँ, जो बजट मिलता है यहाँ खेल विभाग को, जो बजट मिलता है, मेरे हिसाब से यहाँ कुछ भी नहीं है। ग्राउंड में हर दिन पानी आना चाहिए, हर दिन पानी, मतलब जो ताकि ग्राउंड सूख जाए थोड़ा, मिट्टी धूल इतनी उड़ रही है कि मतलब बच्चों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ उड़ रही है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले हर दिन ग्राउंड में पानी आना जरूरी है, कि पानी को थोड़ा ग्राउंड गीला कर दिया जाए ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे रनिंग जो लॉन्ग जंप के लिए बालू, और ये थोड़ा अच्छे से बनाया जाए, बालू की सबसे बड़ी चिंता है यहाँ पे कि आ नहीं रही है बजरी वगैरह, तो ये वही चाहता हूँ। बाकी ग्राउंड अगर बाथरूम वगैरह नहीं खुलता यहाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बाथरूम के लिए। चलिए, कहीं ना कहीं इन युवाओं की जो मांग है वो पानी को लेकर है, बालू को लेकर है, और बाथरूम को लेकर है। ये मांग आपकी कहीं ना कहीं जहाँ हमें मौका मिलेगा, जिस मंच पर हमें मौका मिलेगा, कोशिश करेंगे उस मंच तक आपकी आवाज़ ले जाने के लिए। प्रॉब्लम बाथरूम की, भाई हम हिमाचल से आए हैं यहाँ पर, इतनी दूर एनडी की कोचिंग लेने, साथ साथ में अपनी भर्ती की तैयारी देख रहे हैं। एक प्लेयर तभी बनता है जब उसको सारी फैसिलिटीज मिलती है। आप देख लो ना, खुद एक बंदा क्या कर सकता है, एक प्लेयर, एक जो एथलेटिक प्लेयर होता है उसको रनिंग एक ऐसी चीज है जहां पर आपको जो है फैसिलिटीज चाहिए। अब बाथरूम बंद रहते हैं, कई बार जैसे लैट्रिन लग पड़ती है, टॉयलेट लग पड़ता है, तो जाना पड़ता है बाथरूम रनिंग से पहले भी और उसके बाद भी। तो मतलब सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओपन, सिर्फ ग्राउंड है, सिर्फ बाकी सब। हाँ जी, आप देखिए दूर, देखिए ग्राउंड, बजट के हिसाब से यहाँ कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं है बजट, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जब मैंने यहाँ पे पता किया तो ये प्राइवेट में जा रखा था, किसी के अंडर था, किसी अथॉरिटी के अंदर था उस समय। चलिए आगे की तरफ, युवाओं की मांग जायज है और तैयारियां होनी चाहिए। आगे की तरफ मैं आपको, यहाँ से रिकैप, कुछ व्यवस्था नहीं यार भाई, तैयारियां ये लाइव चल रहा है, लाइव चल रही है।
तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं युवा जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनका कहना है सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, वो वैकेंसी तो सरकार जितनी निकालेगी निकालेगी, लेकिन सुविधाएं होनी बहुत जरूरी है। अगर एक युवा को बेहतर तैयारी करनी है तो बेहतर सुविधा होनी भी बहुत जरूरी है। योगी के नारे लग रहे हैं, योगी जी आए थे जब शपथ ग्रहण था उस टाइम योगी जी भी आए थे, हालांकि अंधेरा हो रहा है, आगे के आपको नज़ारे भी दिखाऊंगा, लेकिन एक जोश है यहाँ पर है, जो जोश है, जो जुनून है। तो कुल मिलाकर यहाँ से आपके साथ जुड़ने का ये मकसद था कि हमारे प्रदेश को जो हम बहुत कहते हैं ना कि युवा प्रदेश में युवा बेरोजगारों की फौज है, फौज है लेकिन वो बेरोजगार नहीं है, वो तैयारियां कर रहे हैं, अपने सपनों की तैयारी कर रहे हैं, अपने सपनों को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड में 4 बजे आ जाते हैं, सुबह के 4 बजे से लेकर 10-11 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से लेकर 8-9 बजे तक। तो आप उन्हें बेरोजगार नहीं कह सकते, लेकिन युवाओं के अंदर कितना जोश है, कितना जुनून है आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं सुविधाएं भी बेहतर होनी चाहिए, जब सुविधाएं बेहतर होंगी तो प्रदेश से जो युवा हैं वो बेहतर परफॉर्मेंस देंगे और बेहतर जो सरकारी नौकरी की उनकी एक चाहत है वो निकल पड़ेगी। बाकी इसी तरह की जो गतिविधियां होने वाली हैं प्रदेश में, उनसे आपको लगातार जोड़े रहेंगे, आप जुड़े रहिए जेपी वर्ल्ड टीवी के साथ। धन्यवाद।